नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 10 नवंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। अयोध्या मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। लंबे अरसे से चले आ रहे मंदिर मस्जिद मामले में अब पूर्ण विराम लग चुका है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के दावों को स्वीकार करते हुए विवादित 2.7 एकड़ जमीन रामलला विराजमान को सौंप दिया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिंदू पक्ष की ओर रहा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने किसी अन्य स्थान पर मुस्लिम पक्ष को लगभग 5 एकड़ जमीन देने का भी निर्देश दिया है। इसी के साथ ही बरसों से चलता आ रहा मामला थम गया। अयोध्या मामले में आए फैसले पर बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, ये सर्वमान्य फैसला है और सबको न्यायालय द्वारा किए गए इस फैसले का सम्मान करना चाहिए। हमें एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए, साथ ही समाज में सद्भावना का वातावरण बनाए रखना चाहिए। न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है और शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार को सौंपी है। इस फैसले के बाद अब किसी भी तरह की कोई भेदभाव वाली बात नहीं होनी चाहिए। पटना के गांधी मैदान में शुरू हो चुका है पुस्तक मेला। पटना के गांधी मैदान में पुस्तक मेले का आगाज हो चुका है। 18 नवंबर तक चलने वाले इस पुस्तक मेले में हर वर्ग के लिए किताबें मौजूद है। साथ ही साथ इस साल के पुस्तक मेले का थीम जल जीवन और पेड़ रखा गया है। पुस्तक मेले में इस साल 100 से ज्यादा प्रकाशक भाग ले रहे हैं, जिनके लिए कुल मिलाकर 700 स्टॉल बनाए गए हैं। बिहार पटना की निकिता सत्य बनी मिस कॉर्पोरेट इंडिया यूनिवर्स 2019। बिहार की राजधानी पटना की निकिता सत्य ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराया है। पटना की निकिता ने मिस कॉर्पोरेट इंडिया यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है। आपको बता दें, निकिता सत्य अमेजॉन कंपनी में एसोसिएट मार्केटिंग मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की होगी नियुक्ति। बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी। बिहार के विश्वविद्यालयों में बड़े तादाद में शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है। जल्द ही बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 15 नवंबर तक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सभी यूनिवर्सिटी से खाली पद का ब्यौरा देने को कहा है। पटना में आज खत्म हो जाएगा पटना फैशन वीक सीजन 4। सिवांता एंटरटेनमेंट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 9 और 10 नवंबर को पटना में पटना फैशन वीक सीजन 4 का आयोजन किया गया था, जहां देश भर के मशहूर डिजाइनर ने हिस्सा लिया था। आपको बता दें, आयोजित 2 दिवसीय फैशन वीक में देश के अलग अलग शहरों से डिजाइनर अपने डिजाइन के साथ उपस्थित हुए। डिजाइनर के अलावा आयोजित कार्यक्रम में कई कलाकारों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। 15 साल पुरानी वाहनों का परिचालन हुआ बंद। परिवहन विभाग ने हाल ही में राजधानी में 15 साल पुरानी बसों और ऑटो के परिचालन पर रोक लगाने का फैसला किया है। कल पटना से नवादा दरभंगा सहित अन्य रूटों पर चल रही लगभग 10 बसों के परिचालन पर रोक लगा दी गई थी। परिवहन विभाग के इस फैसले के बाद निगम ने अपनी पुरानी बसों की सेवा पर रोक लगा दी है। जानकारों के अनुसार, निगम की ओर से बांकीपुर प्रतिष्ठान से परिचालित हो रही सभी बसों लगभग 15 साल पुरानी हैं। बिहार शिक्षकों के लिए निकलने जा रहा है बंपर भर्ती। राज्य में 1 लाख प्रारंभिक शिक्षकों के बड़े पद पर अब 23 नवंबर तक नियुक्ति की जा सकती है। तारीख में फेरबदल की जानकारी प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने सभी जिला शिक्षक पदाधिकारियों को दी है। अपने आदेश में उन्होंने कहा है कि अभिभावकों की मांग को देखते हुए तारीख को 9 नवंबर से बढ़ाकर 23 नवंबर तक किया जा रहा है। केसी सिन्हा और अमूल वर्मा को मिलेगा अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार। जाने माने गणित प्राध्यापक डॉक्टर केसी सिन्हा और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में असाधारण काम करने वाले प्रेम वर्मा को राज्य सरकार की तरफ से 2019 का मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। यह पुरस्कार शिक्षा दिवस के अवसर पर दिया जाएगा। आपको बता दें, डॉक्टर केसी सिन्हा फिलहाल पटना साइंस कॉलेज के प्राचार्य के पद पर कार्यरत है। वहीं महाराष्ट्र के प्रेम वर्मा ने बिहार और झारखंड में स्किल फाउंडेशन के जरिए हजारों बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने के लिए जाने जाते हैं। सोनपुर मेले के मद्देनजर गांधी मैदान से दानापुर तक चलाई जाएंगी नई बसें। सोनपुर मेले के मद्देनजर बांकीपुर स्टैंड से दानापुर के लिए 3 रूटों पर 9 नई बसों का परिचालन जल्द होने जा रहा है। इससे बेली रोड, अनिसाबाद एयरपोर्ट, शेखपुरा, चितकोरा, आर ब्लॉक, सचिवालय, फुलवारी शरीफ, दानापुर से आने वाले लोगों को सुविधा होगी। इन बसों का परिचालन दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू कर दिया जाएगा। ज्ञात हो, परिवहन निगम की ओर से सभी 37 रूटों पर 110 बसें चलाई जाएंगी। पटना साहिब जगमगा उठा नानक देव के ज्ञान से। गुरु नानक देव के दिए गए ज्ञान का असर समूचे पटना साहिब में देखने को मिल रहा है। सिख पंथ के प्रथम गुरु नानक देव ने अपने जीवन दर्शन के माध्यम से लोगों को जीने का सही मार्ग बताया। नानक जी ने आमजन को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करने के लिए 4 धार्मिक यात्राएं की। अपनी पहली धार्मिक यात्रा में अनेक शहरों से गुजरते हुए नानक देव पटना साहिब भी पहुंचे थे। वे यहां 4 महीने तक रहे। जिन जिन स्थानों से गुरु नानक गुजरे, वे आज तीर्थ स्थल का रूप ले चुका है। इन्हीं में एक सिखों का दूसरा सबसे बड़ा तख्त श्री हरिमंदिर साहिब भी है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि जो बिहार में अपनी जमीन नहीं बचा पाए, वो अब झारखंड में क्या कर पाएंगे। अपने एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि संसदीय चुनाव और हाल के उपचुनाव के बाद बिहार में महागठबंधन के बीच की दरार साफ साफ दिखाई दे रही है।
अगले सत्र से पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 5 शोध संस्थानों की होगी शुरुआत। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में अगले सत्र से 5 नए शोध संस्थान प्रारंभ किए जाएंगे। यह जानकारी कुलपति प्रोफेसर GCR जायसवाल ने शुक्रवार को सिंडिकेट की बैठक में सदस्यों को दी। उन्होंने बताया कि गांधी शोध संस्थान के अतिरिक्त सम्राट अशोक शोध संस्थान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर शोध संस्थान तथा पंडित मदन मोहन मालवीय शोध संस्थान कार्य प्रारंभ कर देंगे। शोध संस्थान के लिए सभी जरूरी संसाधन व मानकों पर काम किया जा रहा है। पीपा पुल का निर्माण होगा गांधी सेतु से 150 मीटर से दूर। सेतु प्रमंडल गुलजारबाग के कार्यपालक अभियंता वीरेंद्र कुमार के अनुसार पीपा पुल इस बार गांधी सेतु के पूरब में बंदरगाह की ओर 150 मीटर दूर बनेगा। उन्होंने आगे बताया कि गांधी सेतु की पश्चिमी लेन पर गायघाट में चल रहे निर्माण कार्य के कारण साथ ही साथ पूर्वी लेन को तोड़े जाने की आगामी योजना को लेकर यह निर्णय लिया गया है। भाजपा सांसद ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर उठाया सवाल। बिहार सरकार ने बिहार में 15 साल पुरानी और डीजल से चलने वाली ऑटो के परिचालन पर रोक लगा दी है, जिस पर भाजपा सांसद सुशील सिंह ने नीतीश कुमार के फैसले पर तंज कसते हुए कहा है कि सरकार एक ओर पटना में डीजल से चलने वाले ऑटो का परिचालन बंद करा रही है, वहीं दूसरी ओर औरंगाबाद में धूल और धुआं उगलने वाली सीमेंट की फैक्ट्री के लिए जमीन दे रही है। नालंदा जाने वाले लोग इन पर्यटन स्थलों पर जरूर भ्रमण करने जाएं। नालंदा जाने वाले लोग इन मशहूर स्थलों पर भ्रमण करना ना भूले। नालंदा विश्वविद्यालय, शांति स्तूप, वेनुवन, सोन भंडार, जल मंदिर पावापुरी, श्वेतांबर जैन मंदिर, समोसरण मंदिर, हिरण्य पर्वत, मखदूम साहिब का मजार, मलमास मेला और राजगीर महोत्सव जरूर घूमने जाएं। पटना से नालंदा जाने के लिए ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को लगभग 3 से 3.5 घंटे का सफर करना होगा। वहीं खुद की गाड़ी से सफर करने वाले यात्रियों को लगभग 2 से 2.5 घंटे का सफर करना होगा। पटना से नालंदा बाई रोड की दूरी SH1 से 90.8 किलोमीटर है। अयोध्या फैसले को लेकर कल तक बेगूसराय के सभी स्कूल रहेंगे बंद। बेगूसराय जिलाधिकारी बेगूसराय जिले के सभी स्कूल शुक्रवार से सोमवार तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। एहतियात के तौर पर जिलाधिकारी ने यह आदेश अयोध्या फैसले को लेकर जारी किया है। जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग को इस संदर्भ में आदेश जारी कर सूचना दे दी थी। वहीं शिक्षा पदाधिकारी द्वारा डीएम के आदेश से बेगूसराय जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया है। मैनवा के 2 फुटबॉल खिलाड़ी खेलेंगे मुंबई लीग में। महाराष्ट्र फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित मुंबई वुमेन फुटबॉल लीग में बिहार के मैरवा के 2 खिलाड़ी को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया गया है। ज्ञात हो मुंबई वुमेन फुटबॉल लीग के लिए मैरवा के 2 खिलाड़ियों का चयन एवं अनुबंधन मुंबई की फुटबॉल अकादमी केंकरे ने किया है। बिहार के मैरवा की यह दोनों खिलाड़ी रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स अकेडमी की है। बिरसा पार्क का प्रवेश शुल्क अब 20 रूपए। बिरसा मुंडा पार्क में घूमने वालों को अब प्रवेश शुल्क 10 रूपए की जगह 20 रूपए देना होगा। यह शुल्क कल से ली जाएगी। वहीं जिस दिन लेजर फाउंटेन चलेगा उस दिन 25 रूपए शुल्क देना होगा। बिरसा मुंडा पार्क में रखरखाव और कर्मचारियों के पीछे हो रहे खर्च का हवाला देकर नगर निगम ने प्रवेश शुल्क बढ़ा दिया है। आपको बता दें अक्टूबर से फरवरी तक शनिवार रविवार को लेजर फाउंटेन शाम 5 से चलाया जाएगा। वहीं मार्च से सितंबर तक यह 6:30 बजे से संचालित किया जाएगा। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर साझा की बचपन की कुछ तस्वीरें। राजद नेता तेजस्वी यादव के जन्मदिन के अवसर पर तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी खास तरीके से उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। तेज प्रताप यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट से तेजस्वी और अपनी एक बेहद पुरानी तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो दोनों भाई माँ राबड़ी देवी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। शेयर किए हुए पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि युवाओं के दिलों की धड़कन, गरीब एवं वंचित समाज के हक की आवाज बुलंद करने वाले जान से भी प्यारे छोटे भाई तेजस्वी को 30वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले गिरिराज। भाजपा के फायर ब्रांड कहे जाने वाले नेता गिरिराज सिंह ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या मामले के लिए लिए गए फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रणाम की इमोजी के साथ ट्वीट किया है, इस फैसले का स्वागत किया है। ज्ञात हो लंबे अरसे से चलते आ रहे अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के रूम नंबर 1 में CJI की अगुवाई में 5 जजों की स्पेशल बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण खाली जमीन पर नहीं हुआ था। रानू मंडल के बदले तेवर। रानू मंडल की सराहना सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब की है, मगर अब वही सोशल मीडिया रानू के बदले तेवर से उनके खिलाफ हो गया है। एक रिपोर्टर द्वारा पूछा जाता है, क्या आपको यकीन हो गया है कि सपने सच होते हैं? आपको इतने बड़े पैमाने पर इतना कुछ मिला है जिंदगी में। इस सवाल के पूछे जाने के समय रानू मंडल पॉपकॉर्न खा रही थी। फिर जवाब पूछने पर रानू ने अजीब शक्ल बनाकर कहा कि कुछ सुनाई नहीं दिया। रानू मंडल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया है। एक यूजर ने इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है, ऐसा ही होता है जब किसी को रोड से उठाकर स्टार बनाएंगे। एक दूसरे यूजर ने लिखा है, भीख मांगते हुए ही बेस्ट थिए। अब आइए जानते हैं मौसम का हाल। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप के साथ मौसम सामान्य रहेगा। वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में भी दिन में हल्की धुंध के साथ हल्की धूप के साथ मौसम सामान्य रहने के ही आसार हैं।
विजय मर्चेंट ट्रॉफी से बिहार हुआ बाहर। खेले जा रहे अंडर 16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी में गेंदबाजों का ही बोलबाला दिख रहा है। एक दिन पहले मेघालय के निर्देश बसोया ने नागालैंड के खिलाफ जहां एक पारी में 10 विकेट लिए, वहीं कल झारखंड के दाएं हाथ के स्पिनर आशीष चौबे ने पटना में बिहार के खिलाफ एक पारी में 9 विकेट हासिल किए और निर्देश के एक पारी में 10 विकेट लेने के रिकॉर्ड से केवल एक विकेट दूर रह गए। उनके इस शानदार गेंदबाजी की बदौलत झारखंड ने बिहार को एक पारी और 49 रनों से हराकर बिहार को इस विजय मर्चेंट ट्रॉफी से बाहर कर दिया है। महागठबंधन द्वारा आयोजित की गई प्रेस वार्ता में नहीं पहुंचे मांझी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही महागठबंधन में एक बार फिर दरार नजर आने लगी है। हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने पहले ही आगामी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला कर लिया है, इसी कारण वो महागठबंधन और वाम दलों द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में भी नहीं पहुंचे। वहीं मांझी के अलावा आरजेडी की ओर से कोई बड़ा नेता भी मौजूद नहीं रहा। इस मामले पर पूछे जाने पर आलोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने चुप्पी साध ली। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सारे महागठबंधन दल एकजुट ही है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए YouTube चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। हमारे नए YouTube चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।